हेलो टाइगर, इधर देख यार। देखो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इनको ये देखें आपको और आप पे रिएक्ट करें आपकी बात पे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। आपको भी जब गर्मी लग रही हो या कुछ हो तो आप कैसे देखोगे किसी को? सोचो यार, ये जो जानवर हैं इनको कितना लगता होगा। हम तो बोल देते हैं प्यास लग रही है, पानी दो, खाना दो, ठंडा दो, इनको भी मिलता है। लेकिन ये भी सोचो कि यार इनको देखो, ये खुद तो नहीं बोल पाते कि अब ये मन हो रहा है, अब ये खाना है। मुझे सारे मिल गए राजस्थान के, और देखो मैं उत्तराखंड, और वैसे रहता तो यहाँ अभी लखनऊ में हूँ, और इनसे मैंने बोला अभी उत्तराखंड का प्लान करो, ट्रिप बनाओ एक, और ये भी आएंगे, मोटरसाइकिल उठाओ। राइडर सारे क्या कर रहे हो यार, चलो घूमने निकलो और वीडियो बनाओ। हेलो गाइस, आज आ गए यार लखनऊ जू बाइक से ही, और मम्मी भी साथ में। यार मम्मी हेलो करो। हेलो। हेलो से हेलो। हेलो। तो आज लखनऊ के चिड़ियाघर में थोड़ा सा घूमने आ गए, और देखेंगे भी कौन कौन से जानवर हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे जो है जू, वैसे मैं मेरा मन करता है कि इनको जानवरों को जू के बजाय ना सेंचुरी पार्क में होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी जगह भी होगी। हालांकि जू भी अच्छा है, बट इतनी स्पेस मुझे लगता है कि थोड़ी कम होगी, तो जू थोड़ा छोटा लगता है। लेकिन यहाँ बनने वाला है सेंचुरी, एक पार्क टाइप का बन रहा है, बड़ी बड़ी जगह मिलेगी उन्हें भी, जानवरों को। हालांकि उनका केयर रखा जाता है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, मज़ा करते हैं जू में। तो यार अब देखो स्टार्ट करते हैं, अब एंट्री तो कर ली है। अभी सबसे पहले कहाँ पे? सबसे पहले अब जाएंगे आपके, यहाँ मेरे ख्याल से सांप का है ना, सांप का है घर यहाँ पे। पहले वो देखते हैं, सांप होंगे वहाँ बहुत सारे भाई, आपके पाइथन और वाइपर और पता नहीं कौन कौन से। लेकिन जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे सब सोते ही मिले। भाई देखो यार, ये है कोबरा, स्पेक्टिकल्ड कोबरा, दूर ही रहते हैं भाई इससे। ये है भाई रेड स्नेक, शीशा लगा हुआ है इसलिए थोड़ा साफ नहीं आ रहा। हाँ जी, ये जो है फूड इसका है फ्रॉग, लिजर्ड्स, बर्ड्स, रोडेंट्स, ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ तो फिर ये सब यही खाता है, इसका फेवरेट नाश्ता या खाना। तो भाई देखो यार, ये तो है अजगर पाइथन, इतना खतरनाक है। तो देखो मूव कर रहा है यार। तो भाई दोस्तों देखो यार, ये है आपका हॉग डियर, हॉग डियर, ये सब बैठे हैं देखो। अभी गर्मी है ना, इसीलिए थोड़ा छांव में है। ये देखो आपको दिखेगा अब, यहाँ ये पीछे देखो, ये पीछे देखो, सारे जा रहे हैं हॉग डियर। मुझे तो यार सारे डियर एक जैसे ही लगते हैं। यार गर्मी तो बहुत है, लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले हैं यार, बाइकर्स और राइडर्स को क्या गर्मी लगती है।
निकल पड़े हम भी। आप भी निकलो यार, बाइक उठाओ, चलो घूमने जाओ, देख के आओ कहाँ पे क्या है। देखो यार ये मुझे कैसे देख रहा है, ये पहचानता है मुझे, है पहचानता है। ओए हेलो, इसका वीडियो मैंने एक बार बनाया था, शॉर्ट्स में डाला था, पहचान गया। ओए हीरो क्या खा रहा है, हैं? इसको भी गर्मी लग रही है शायद। और थोड़ा पास जाते हैं इसके। हेलो क्या कर रहे हो? तो भाई ये जो आपको मैंने डियर दिखाया था, ये है स्वैम्प डियर। देखो इसमें लिखा होगा इसका स्वैम्प डियर, बॉडी साइज 5-6 फीट लगभग। और देखो कितना अच्छा है, मुझे तो सब एक जैसे लगते हैं यार, डियर मतलब डियर। तो बहुत अच्छा बना यार ये जू, बहुत पुराना है। इसका नाम वैसे है नवाब वाजिद अली शाह जू, बहुत पुराना है यार। जब मैं स्कूल में था तब भी यहाँ कभी कभी हम लोग आते थे, स्कूल की तरफ से भी कुछ कंपटीशन होता था। तो और ये देखो ट्रेन का ट्रैक है, अभी ट्रेन नहीं दिख रही है बट ट्रेन जल्दी आएगी। भाई ये लो एक और वैरायटी डियर की, बार्किंग डियर। ये देखो यार बार्किंग डॉग ही सुना था हमने, तो बार्किंग डियर भी होता है। ये देखो ऐसा, ये रहा बार्किंग डियर। हेलो बार्किंग डियर, ये देखो अभी बार्क नहीं कर रहा यार, अभी तो सिर्फ चुपचाप है बेचारा, कुछ खाने की तलाश में है। इनको भी गर्मी लगती होगी यार बहुत ज़्यादा, जब हमें ही लग रही है तो औरों को भी तो लगेगी। नहीं नहीं राइडर्स को नहीं लगती, मतलब राइडर्स तो एक्सेप्शंस हैं। देखो फैक्ट तो ये है कि यार लगती तो सभी को ही है, बस शो करने की बात होती है, किसी को दूसरे की नहीं लगती है, अपनी लगती है, गर्मी लग रही है। देखो फ्रेंड्स, अब आप जिन्होंने चीतल नहीं देखा होगा, अब यहाँ पे चीतल भी है भाई, मैं आपको शो करता हूँ चीतल, देखना बहुत सही, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो देखो दोस्तों यार ये चीतल के बारे में बताया गया है कि क्या इनका बॉडी वेट है, कितना साइज़ है, क्या खाते हैं, सब कुछ इनकी स्पेशलिटीज़ बताई गई हैं। और ये आपके चीतल, वो देखो वहाँ बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं, दिख तो नहीं रहे। ये देखो अब आपको दिख, ये थोड़ा जूम करना पड़ रहा है, यह देखो आप, ये रहे चीतल। थोड़ा इनका अच्छा बड़ा बनाया हुआ है, देखो एक शेड भी है। यार ह्यूमिडिटी देखो इतनी है ना कि आपका, सोचो यार ये जो जानवर हैं इनको कितना लगता होगा। हम तो बोल देते हैं प्यास लग रही है, पानी दो, खाना दो, ठंडा दो, इनको भी मिलता है। लेकिन ये भी सोचो कि यार इनको देखो, ये खुद तो नहीं बोल पाते कि अभी ये मन हो रहा है, अभी ये खाना है मुझे। बिल्कुल इनकी भी देखो क्या लाइफ अभी है। अब यार भालू के बाड़े में आ गए, लेकिन भालू तो भाई दिख ही नहीं रहा यार। ये जो बनाया है ना इन्होंने, तो बस ये है कि जब गर्मी लगती होगी तो ये अंदर चले जाते हैं, वैसे ही बाहर रहते होंगे थोड़ा बहुत घूमने के लिए।
भाई देखो आप देख सकते हो ये है स्लॉथ बियर, उसी का बाड़ा था ये, देसी भालू या रीछ जिसको बोलते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। देखो आराम से पॉज करके पढ़ना, मैं तो रिकॉर्ड इतना नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स यार अब सबसे बड़े और सबसे खतरनाक अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे, कौन? टाइगर। चलो भाई अपने भाई से मिल के आते हैं, टाइगर से। तो भाई देखो अब चले यार हम अपने भाई से मिलने, टाइगर से। एक टाइगर ये है, एक टाइगर ये है, एक टाइगर अंदर है। चलो वहाँ चलते हैं। तो भाई देखो ये आपको दिखेगा पानी में बैठा हुआ, देखो दिखता है राजा अपना पानी में, बहुत दूर है यार। तो भाई देखो पूरा टाइगर का रीजन है ये, टाइगर का इलाका है, यहीं पे सब टाइगर रहते हैं, अलग अलग है, इनको इकट्ठे नहीं रखा हुआ। और ये देखो कितनी हाइट पे ये बाड़ा बनाया हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल सकता टाइगर वैसे, तो पूरा स्पेस है। और ये उसके आसपास का एरिया है, चलो चल के देखते हैं। अब एक और होगा, आप सो ना रहा हो। अब देखो ये, देखो ये रहा भाई अपना टाइगर। हेलो, देखो देख रहा भाई कितना भाई कहाँ से आ गया। देखो देख रहा भाई मेरी है। तो भाई देखो ये है टाइगर का स्पेस पूरा, ये टाइगर का इलाका, यहाँ रहता है भाई टाइगर। मेरे ख्याल से यहाँ चार पांच हैं, एक पानी में बैठा था, एक घूम रहा है, अभी एक दो और दिखेंगे आगे। देखो इन्होंने वार्निंग भी लिख रखी है, सावधान खतरनाक वन्य जीव है अंदर, आवाज मत लगाना। तो देखो आपको दिखाओ, देखो दिखा, इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। ये बाड़ा है इसका एक लास्ट, इसके बाद वाइट टाइगर भी देखेंगे, यहाँ तो मेरे को दिख नहीं रहा है। यहाँ दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, तो सो रहा होगा। ये गुफा है इसकी, ये टाइगर की गुफा है यार। देखो यहाँ पे कभी कभी सोता है ये, टाइगर की टेन। देखो यार ये इनकी जगह है रहने का, घर तो कितना बढ़िया बना हुआ है। वैसे शेड तो थोड़ा ही है, ज़्यादातर फील्ड है। नीचे भी आपका देखो, नीचे दिखाता हूँ आपको तो चलने का, ये बढ़िया सा बना है। तो देखो भाई यार ये जो पुराना आपको एक दिखा था भालू, उसके बाद एक ये हिमालयन ब्लैक बियर है, हिमालयन ब्लैक बियर। ये बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है यार, बहुत नॉलेज मिलेगी इससे। ये इसके लिए खेलने का होगा झूला, जैसे झूला तो नहीं है। तो भाई साहब गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, राइडर्स को नहीं लगती मगर याद रखना। लेकिन मैं तो इनके लिए सोच रहा हूँ यार, जो ये हमारे प्यारे प्यारे जानवर हैं, इनको भी गर्मी लगती है। और लोग सोचते हैं ये दिख नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं,
लेकिन कैसे करेंगे यार, गर्मी हो रही है, अपना आराम करेंगे कि आपको देखेंगे। तो देखो भाई यार, ये आ गई हमारी प्यारी रोजी पेलिकन। ये आपको इसके बारे में यहाँ पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। देखो क्या इसका फूड है, ज़्यादातर ये फिशेज ही खाते हैं। और बहुत सुंदर है यार ये पेलिकन, देखो इसके लिए कितना अच्छा बनाया है। कम हो गई है थोड़ी यार, पहले तो ज़्यादा थी, थोड़ी कम हो गई। तो यार अब थोड़ा सा वैसे पानी वानी पीने का टाइम हो गया है, पानी भी पी लेते हैं, थोड़ा गला भी सूख रहा है यार बोल बोल के। इतना तो बोलता ही नहीं हूँ मैं जितना ये व्लॉग बनाने के चक्कर में बोलना पड़ रहा है। कभी सोचा नहीं था यार कि ऐसा भी व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा। ज़्यादातर बाइक चलाते रहो ना, वही अच्छा लगता है। लेकिन ठीक है यार, कभी कभी व्लॉग भी टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो भाई और आगे बढ़ते हैं, अभी देखो थोड़ी बर्ड्स और दिखेंगी आपको। ये एरिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ज़ू का बिल्कुल आपके फ्रेशनेस एकदम, और पेड़ ही पेड़ हैं, पूरा नेचर। पेड़ लगाया करो दोस्तों यार, अपने घर में भी पेड़ लगाओ। मैंने तो बहुत लगाए हैं, प्लांट्स बहुत हैं, अच्छा लगता है, नेचर से घिरे रहो। तो भाई ये देखो यहाँ कितनी बर्ड्स हैं यार, कितना सुंदर है ये एरिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। इतनी सारी बर्ड्स दिखेंगी आपको, इधर से उधर चलती रहती हैं, ये देखो सब जाए। लेकिन कभी कभी लगता है कि थोड़ा स्पेस इनको और मिलना चाहिए। ये देखो कितनी बड़ी है यार, ये देखो ये भी शायद पेलिकन ही है क्या, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। हेलो, ये देखो सारी पेलिकन शायद नहीं है ये, पता नहीं कुछ नाम तो नहीं लिखा, नहीं नहीं लिखा है, लिखा है ये है लेजर फ्लेमिंगो। ये है लेजर, नहीं ये है राज हंस, जिसको कहते हैं लेजर फ्लेमिंगो। वैसे लेजर लिखा हुआ है, लेजर होगा या तो ऊंचाई 4 फीट लगभग, लेकिन बहुत सुंदर है यार ये, देखो कितने अच्छे हैं, ये बड़ी भी है यार ये। यहाँ चिड़ियाघर की एक बहुत खास बात है ना यहाँ की, यहाँ पे कोट्स बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। देखो कितना अच्छा कोट यहाँ इन्होंने लिखा है, मैं बगुले को तीर का निशाना बनाने की बजाय उसे उड़ते देखना चाहता हूँ, और किसी बुलबुल को खा लेने की बजाय उसे गाते सुनना चाहता हूँ। ये रस्किन, तो मेरे ख्याल से रस्किन बॉन्ड ने लिखा होगा इंग्लिश में, इसका ट्रांसलेट करके इन्होंने हिंदी में लिख दिया है। देखो फ्रेंड्स ये कितना अच्छा बनाया हुआ है यार, बहुत सुंदर है।
फ्रेंड्स देखो, अब लखनऊ जू में आपने बहुत कुछ तो देख ही लिया, टाइगर, बाकी डियर्स, सांप यानी कि स्नेक, सबको पता है मैं क्या ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और जो है अभी और भी बहुत कुछ देखना है यहाँ पे, आपको पूरा दिन चाहिए अच्छी तरह देखने के लिए। और यहाँ पे टॉय ट्रेन भी है, टॉय ट्रेन में कोई बहुत ज़्यादा टिकट ऐसा महंगा नहीं है, शायद 25 या 30 से ज़्यादा नहीं होगा, बच्चों का छोटे शायद 10-12 साल की एज वालों का लगता है, या 5 साल, पता नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। देखो यार ये क्या इतना अच्छा बनाया, मार्बल ही मार्बल है ये तो। आप भी प्लान कर रहे हो तो भाई आओ जू में और देखो। अभी असली किंग देखना बाकी है, जो कि लायन है, शेर, बफर शेर, उसका भी अभी आएगा आगे, उसकी डेन में चलेंगे। एक पहले यहाँ पे था बेचारा, वो उसकी तो डेथ हो गई, अब और भी दूसरा एक आया है, उसको देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स यार, ये जो भी मैंने आपको दिखाया था, ये जो आर्किटेक्चर था, इसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन दी है। नगीने वाली बारादरी अवध का एक ऐतिहासिक स्मारक है तथा लखनऊ का गौरव, कृपया इस पर लिखाई खरोंच पीक आदि थूक कर से ऐतिहासिक स्मारक को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचाए। ये सच बात है यार, अभी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसमें लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं, वो ऐसा मत करो प्लीज़, को हमको बचाना ही चाहिए। देखो फ्रेंड्स कितना बढ़िया ये पार्क बना हुआ है यहाँ पे, ये जू इतना बड़ा है कि जानवर तो हैं ही, साथ में आपको ग्रीनरी भी बहुत मिलेगी। देखो तो कितना बढ़िया इन्होंने ग्रीनरी हर जगह लगाई हुई है, देखो पेड़ कितने अच्छे हैं। बहुत बढ़िया लग, पेड़ देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा डिजाइन है इसका। वाओ यार, तो भाइयों ये देखो यार, ये आ गई तो, ये पता नहीं किस जमाने की है यार, बहुत पुरानी लग रही है, कितनी बढ़िया, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, क्या है इसके बारे में डिटेल, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वित्त पोषित बारादरी पथ। तो फ्रेंड्स देखो यार, ये है स्टेट म्यूजियम लखनऊ, यहाँ पे भी आप जा सकते हो हॉलीडेज, देखो एवरी मंडे संडे और सब इसके मेंशनड है इसमें, बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ पे एक बार जा चुका हूँ, बहुत अच्छा बना है पूरा ये म्यूजियम का आपका एरिया है, इसकी बिल्डिंग है ये पूरी। देखो गाइस, ये इंडियन एयरफोर्स का भी यहाँ पे बहुत पुराना एक प्लेन रखा हुआ है डेमोंस्ट्रेशन के लिए, इसका पड़ा है राजहंस है। तो गाइस यार, बड़ी गर्मी महसूस हो रही थी राइटर्स को, नहीं वैसे उमस तो बहुत है, गर्मी भी बहुत है यार, जानवरों का सोचो क्या उनको लगता होगा कितनी गर्मी होती है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लें। मम्मी को तो कोल्ड ड्रिंक दे दी, मैं तो बिल्कुल
उस पे हूँ यार, कुछ भी, कोई ऑयल नहीं, मीठा नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी, जैसा रोनाल्डो ने बोला था ना, ड्रिंक वाटर। सिर्फ पानी पियेंगे यार, थोड़ा जब भी ऐसा मन करे पानी पी लो, मन ही नहीं करेगा कुछ। या तो जूस भी पी सकते हो आप, जूस भी पी सकते हैं, फ्रेश जूस, अच्छी जगह हो तो नेचुरल मीठा अच्छा रहेगा। ट्राई करो कि शुगर वुगर तो अवॉइड ही करो, एनर्जी निकल जाती है तो कभी कभी तो ज़रूरत कैसे पड़ती है। ओहो भाई गर्मी बहुत। अब देखो, अब जाएंगे अब हम लॉयन के बाड़े में, लॉयन का बाड़ा बचा हुआ है असली अपना, जो जो देखने का जिसको क्रेज होता है सबको लॉयन ही है। यहाँ पे पहले भी लॉयन थे मगर अनफॉर्चुनेटली यार कुछ तबीयत वबीयत उनकी ख़राब हो गई तो उनकी डेथ हो गई थी। और भी आते रहते हैं, अभी शायद पृथ्वी था इससे पहले, और वाइट टाइगर्स भी हैं, वाइट टाइगर भी देखेंगे। और टॉय ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे यार, अब टॉय ट्रेन में तो बच्चे ही बैठे तो ज़्यादा अच्छा, हम तो वो घूम लिया पूरा। तो चलो मिलते हैं यार ब्रेक के बाद, थोड़ा सा ब्रेक के बाद। बाय बाय। तो भाई अब जिसका इंतज़ार था वो घड़ियाँ हो गई ख़त्म, अब सीधे जा रहे हैं हम यार राजा से मिलने, जो कि अपना यहाँ का शेर। देखो यार सो ना रहा हो, बस हम तो सो नहीं रहे, दूर से आवाज़ आ जाती है उसकी चिड़िया घर में जब वो दहाड़ता है। अभी देखते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो मिलेगा, जगा हुआ सो भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। ये आ गया हमारा शेर का इलाका, यहाँ देखेंगे हम शेर अगर उठा होगा, नहीं उठा होगा तो कोई बात नहीं। तो गाइस देखो यार, ये है शेर का बाड़ा, मगर यहाँ पे अब शेर नहीं है, यहाँ पे इन्होंने टाइगर्स रखे हैं। पहले यहाँ शेर था जो कि लायन होता है, अब यहाँ पे देखो टाइगर, ये दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये आया। देखो यहाँ कोड्स इतने अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं, देख कोड कितना अच्छा है। पिंजरे में आकर कमज़ोर नहीं होता दोस्त, शेर जहाँ भी रहे वो शेर ही होता है। कितनी बढ़िया लाइन है। तो फ्रेंड्स देखो यार, ये भी शेर का ही बाड़ा है और यहाँ पे भी शेर ही है, आपको वहाँ दिखेगा, देखो दूर एक शेर है, ये सो रहा है। देखो ये जो ऊपर वाली गुफा है उसमें सो रहा है। तो ये देखो फ्रेंड्स यार, ये इन्होंने डमीज बनाए हुए हैं जानवरों के, आपका जिराफ है और ये सब आपके शेर और हिरन, कितना अच्छा बच्चों के लिए। घबराओ नहीं दोस्तों यार, ये असली शेर नहीं है, सब डमीज है, ये भी बहुत अच्छा बना है। चलते हैं कहाँ, ये भाई के पास, ये रहा अपना तेंदुआ यानी कि लेपर्ड। भाई ये रहा लेपर्ड का पिछला, लेपर्ड तो कभी दिखता ही नहीं है लेकिन हाँ दिख रहा है भाई।
वो बैठा है, अभी देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये वो जो गेट आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, वहाँ बीचों बीच में भी जूम भी करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब थोड़ा जूम किया है, बहुत दूर है, ये आपको दिखेगा। ये देखो, ये आपका आ गया लेपर्ड। सोच रहा है भागने की फिराक में तो नहीं है। इसके लिए देखना बहुत ऊंची ऊंची ये बनाते हैं, क्योंकि ये जंप मार लेता है ना बहुत। उसके लिए देखो, प्रोटेक्शन के लिए इतना ऊपर लगाया हुआ। बहुत सुंदर है, लेकिन अब इसमें नहीं रहते लेपर्ड्स, इनकी जगह शिफ्ट कर दी। के बारे में भाई इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, लेपर्ड, पैंथर, तेंदुआ या लेपर्ड। इनकी साइज तो बहुत ही, इनका यार 7 फुट 9 फुट का यार। ये देखो, ये आपका वाइट टाइगर का जो है वो पिंजरा है, और वाइट टाइगर्स यहाँ पे काफी हैं यार। अभी देखते हैं, उठे हुए हैं कि ये भी खाना खा के सो ही गए, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है सब सो रहे, ये सो ही रहा है, देखो सामने ही दिख रहा है मुझे। थोड़ा जाल है ना, इसलिए दिख नहीं रहा इसके अंदर से, एकदम सामने में। देखो रेलवे ट्रैक आपको हर जगह दिख जाएगा, ट्रेन आती है यहाँ से बच्चों के लिए, बड़े भी बैठ जाते हैं। तो गाइज यार, वाइट टाइगर तो इस समय सब सो रहे हैं आराम से, और खाना खाने के बाद तो सोते ही हैं, ये सोते ज़्यादा हैं। कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो फिर आपको ये उठे हुए मिलेंगे। तो हैं यहाँ पे 4-5 तो वाइट टाइगर्स हैं, बहुत बड़ा साइज़ है इनका भी, मैंने इनको देखा है पहले। और कुछ थे टाइगर्स और लायंस पहले यहाँ पे ज़ू में, तो तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी तो की डेथ हो गई, तो बीच बीच में जो है जानवर फिर नए नए आते हैं। तो भाई ये वाइट टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सफेद बाघ वाइट टाइगर, इनका साइज, वेट, एज सब कुछ। आप पॉज करके आराम से पढ़ो। देखो ये रास्ते भी ऐसे हैं कि एकदम लग रहा है जैसे कि जंगल में ही आप हो। ओ भाई ये देखो, ये बैठा हुआ है, ये रहा। कितना देखो आप, कितना बड़ा भाई है, वगैरह भी है ना इसलिए। ये रहा भाई आपका वाइट टाइगर, और ये क्या हो रहा है, तो इतना बड़ा लगता है, आ जाए। ओए देखो भाई, ये किसी को भाव नहीं देता, अपनी मस्ती में रहता है। हेलो टाइगर, देख यार, ओए भाई इसका हाथ जितना बड़ा है ना, इतना बड़े तो मेरे 2 हाथ भी नहीं होंगे। एक पंजा मार दे तो फाड़ देगा पूरा। तो भाई देखा आपने वाइट टाइगर को, कितना बढ़िया था। अभी देखो एक एंगल से और देखने की कोशिश करता हूँ,
कहीं दिख जाए। हाँ देखो यहाँ से भी दिख रहा है, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ से भी दिख रहा है, वही जो आपको दिखाया था। ये देखो भाई दोनों वाइट टाइगर्स हैं एक दूसरे के सामने बैठे हुए, एक दूसरे को ही देख रहे हैं। जब से बहुत दूर से मैं इनका वीडियो ले रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, बट दिख रहा है देखो पीछे भी एक वाइट टाइगर है और उसके सामने भी एक। क्या सोच रहे हैं ये आपस में। तो चलो गाइज, होप यू इंजॉयड द वीडियो, और मिलते रहेंगे फिर अगले वीडियोस में। अब होपफुली बाइक ट्रिप ही करूँगा अगली, उसको आपको दिखाता हूँ। और अभी यहाँ करते हैं आपको टाटा बाय बाय। और देखो आपको अच्छा लगा होगा सारे यहाँ पे जानवर वगैरह, तो कितने अच्छे अच्छे यहाँ जानवर हैं। आप भी आओ, अपना प्लान करो ट्रिप, बैग पैक करो, बाइक निकालो और चलो। टाटा बाय बाय। चलो एवरीवन, अब ट्रिप को एंड करने का टाइम आ गया है। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी बाइक निकालो, सैर सपाटा करो, निकलो भाई मोटरसाइकिल उठाओ। राइडर सारे क्या कर रहे हो यार, चलो घूमने निकलो और वीडियो बनाओ। चलो चलते हैं फिर।